हेलो टू फैमिली, वेलकम माय चैनल गोस्टे गुड बॉय। मेरा नाम है फैसल और आज हम लोग करने वाले हैं डीडीएलजे सॉन्ग की गिटार थीम फ्रॉम द मूवी डीडीएलजे, मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसे मैंने किया है सिंगल स्ट्रिंग पे। बहुत इजी सॉन्ग है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है एंड इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो एवरीवन, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी लेसन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसको मैंने सिंगल स्ट्रिंग से प्ले किया है, गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग से, जो है ई स्ट्रिंग। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा विद लिरिक्स। तुझे देखा तो ये जाना सनम, इसको प्ले करने के लिए आपको 3 times 0 प्ले करना है ओपन। 0 का मतलब होगा आपको कोई भी फ्रेट पे फिंगर नहीं रखनी है। 3 times 0 तुझे, देन देखा के लिए 0 7 तो ये 5 7 जाना, इसके लिए 3 5 सनम के लिए 8। अब यहां पर 7 को 6 times प्ले करना है, 6 times प्ले करना है, बट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्ले नहीं करना है। बस हम लोग एक रिदम माइंड में सेट करनी है, टिंग 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से हम लोग को माइंड सेट करना है इस जगह पर, इसको 6 times प्ले करना है 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। प्यार होता है दीवाना सनम, इसके लिए 0, फिर अगेन 0, होता के लिए 0 7, है के लिए 5, देन दीवाना के लिए 7 3 5, सनम के लिए 3 2। अब यहां पर भी 6 times वैसे ही करना है जैसे 7 पे किया था, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अब यहां से, तो यहां पर बस रेयर केस में 2 strings यूज हो रही है, बिल्कुल भी टफ नहीं पड़ेगा, बस आपको सेकंड फिंगर से इसको होल्ड करना है। अब यहां से, अब तो फर्स्ट स्ट्रिंग को 0 प्ले करना है, देन 2, देन सेकंड स्ट्रिंग का 3rd fret, देन फर्स्ट स्ट्रिंग का 0। तो क्या हो गया, अब यहां से इसके लिए 10, कहां जाए हम, तो उसके लिए 2, सेकेंड स्ट्रिंग का 3rd fret, फिर 0, देन 3 2। तो उसको हम लोग पूरा प्ले करते हैं। अब यहां से कहां जाएं हम, अब यहां पर भी 6 times वैसे ही प्ले करना है, टंग 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 टंग, तो उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा। उसके आगे तेरी बाहों में मर जाएं हम, सेम रहेगा, तो उसको प्ले करने के लिए 0 2, बाहों के लिए 2nd string का 3rd fret, देन 1st string 0, देन मे के लिए 1st string का 2nd fret, देन 2nd string का 3rd fret, देन 3, 1st string का 3rd fret, 2nd। अब यहां पर 6 times करना है, बट ओपन करना है, टंग 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 टंग, 1 1 2 3 4 5 6। अब इसको फिर रिपीट कर देना है,
मैं दिखाता हूँ इसको कैसे प्ले कर, तेरी बाहों में मर जाए हमको कैसे प्ले करना है। अब फिर वैसी सेम हो जाएगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम। पहले प्ले कर चुका हूँ बट मैं बता रहा हूँ फिर भी कैसे प्ले करेंगे। देन सिक्स टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे उस पर DM कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।